दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अमेजॉन पे में जो बैलेंस होता है उससे किस तरह से रिचार्ज किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अमेजॉन एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए और जैसे ही इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा अमेजॉन पे। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अमेजॉन पे बैलेंस में मेरा 1075 रुपया है, जो कि यहाँ पे कैशबैक जो मिलता है उसी में इकट्ठा होके यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1075 रुपया है, इसी से हम रिचार्ज करेंगे या आप डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पेज को ऊपर करेंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको दिखेगा मोबाइल रिचार्ज। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। तो यहाँ पे चलिए आप कॉन्टैक्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे नाम भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे नाम सर्च कर लेते हैं। नाम सर्च करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा आपका कौन सा सिम है, किस स्टेट से है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो एयरटेल है तो एयरटेल पे क्लिक करेंगे और कहाँ से है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद व्यू प्लान के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो भी आपको प्लान रिचार्ज करना है उस प्लान पे आप क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे 99 का रिचार्ज करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे 99 रुपया यहाँ पे आ चुका है, तो 99 रुपया का हम रिचार्ज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखिए कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पे देखिए आप चेंज पेमेंट मेथड, यहाँ पे अमेजॉन पे बैलेंस से ये रुपया कटेगा। अगर यहाँ पे आप क्लिक करके चेंज मेथड आप कर देते हैं तो यहाँ पे आपका यूपीआई से, तब यहाँ पे अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यूपीआई से कट जाएगा। अगर यहाँ पे अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम से करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, लेकिन हमको किससे करना है, अमेजॉन पे जो बैलेंस है 1075 रुपया उससे करना है। तो सिंपली सी यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ इसको नहीं करना है। तो यहाँ पे स्वाइप टू पे पे इस तरह से यहाँ पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने में मैं दिखा रहा हूँ कि अमेजॉन पे का जो बैलेंस है उसे किस तरह से रिचार्ज किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो है मोबाइल नंबर यहाँ, और यहाँ पर अमाउंट 99 रुपया है। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू टू शॉपिंग पे हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने में यहाँ पर रिचार्ज ये हो चुका है। तो अमेजॉन पे पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ट्रांजैक्शन पे आप जब जाएंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं कि पेड अमेजॉन यहां पे बैलेंस दिखा रहा है कि आपने रिचार्ज इतना का कर लिया और कितना बैलेंस बचा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। आप यहां पे देख सकते हैं 1075 था, लेकिन यहां पे 976 रुपया कुछ बचे हैं और मेरा जो रिचार्ज हो चुका है। तो इस तरह से जो है आप अमेजॉन पे जो बैलेंस होता है उसे यूज कर सकते हैं रिचार्ज करने में। और भी बहुत सारे हैं जिससे आप, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, डीटीएच रिचार्ज हो गया, गैस का सिलेंडर हो गया, तो ये सब जो है आप यहाँ पे फ्लाइट टिकट हो गया, बस, ट्रेन, मूवी, ये सब में आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा।